القادر صدق الله العظيم درود پاک السلام والسلام علیکم یا سیدنا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا سیدی یا رسول اللہ۔ یہ ختم قرآن کی تقریب بھی ہے، نزول قرآن کی سالگرہ بھی ہے اور شب قدر بھی ہے۔ یہ اللہ کریم کا ہم پر فضل و کرم ہے کہ وہ اپنے محبوب کے صدقے ہمیں ایسے وقت عطا فرماتا ہے کہ ہم تھوڑا کام کریں اللہ اجر بہت زیادہ دیتا ہے، اور یہ کوئی ہماری خوبی تو نہیں نا، ہمارا کمال تو نہیں کہ پہلی امتیں کام کریں زیادہ، اجر انہیں ہم سے کم ملے، یہ نہیں کہ ان کے کام سے اجر کم نہیں تھا، ہمارے اجر سے ان کا اجر کام، ہمارا کام تھوڑا اجر اچھی بولو کدو چپ بیٹھے ہوئے تھی، اجر ساڈا کام تو یہ، اس میں ہمارا تو کوئی کمال نہیں، یہ مصطفیٰ کی نسبت کا صدقہ ہے۔ محمد کی الفت بڑی چیز ہے، میری ان سے نسبت، سارے بول دیو میری ان سے نسبت۔ حضور علیہ السلام نے ایک بندے کا ذکر کیا جو ہزار مہینہ اللہ کی عبادت کرتا رہا، اب حضور علیہ السلام نے سوچا کہ میری امت کی تو عمریں اتنی نہیں ہیں، تو میری امت عملوں میں ان کے برابر کیسے ہو جائے گی، تو حضور کو امت کی وجہ سے غم لاحق، یعنی حضور دیکھیے کتنے شفیق ہیں، کتنے کریم ہیں کہ غم یعنی کس کی وجہ سے ہے، امت کی وجہ سے کہ میری امت کی عمریں اتنی نہیں تو ان کے برابر ان کے عمل کیسے ہوں گے، تو اللہ نے یہ سورت نازل فرمائی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو یعنی قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے، پھر اللہ خود ہی فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر ایک ہزار مہینے سے بھی بہتر ہے، یعنی اے محبوب تیرا امتی اس رات میں عبادت کر لے گا تو اس کے ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہو۔ محمد کی الفت، ہن سارے بولو تاکہ سستی ختم ہو، محمد کی الفت میری ان سے نسبت، میری ان سے نسبت۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے نا کہ تھوڑے وقت میں، بلکہ حضور ہے من کام لیلۃ القدر ایمانن و احتسابن غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال، کہ جو شب قدر آج کی رات، شب قدر اس نے قیام کیا، قیام کا یہ مطلب ضرور سارا کھڑے ہی رہے، قیام کیا یعنی اللہ کی عبادت میں جاگتا رہا، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔
अल्लाह उसके पिछले, कभी इस यहाँ से हमने किनारा न किया पर दिल आजुर्दा तूने हमारा, हमने तो की बहुत जहन्नम की तजवीज़, हमने तो की बहुत जहन्नम की तजवीज़, लेकिन या अल्लाह तेरी रहमत ने गवारा न किया, तेरी रहमत ने, तेरी रहमत ने। एक रात जाग लो तो सारे गुनाह माफ़ हो। ये रब का कर्म है ना मुस्तफ़ा के सदके, कि मन कामा लैलतुल क़द्र ईमान। दो शर्तें हैं, एक मोमिन हो ज़ार बाद, दूजा एहतसाबन रब की रज़ा के लिए जागे। जागे किसके लिए? क्योंकि हर अमल में बुनियादी चीज़ ईमान के बाद नियत। अगर नियत दुरुस्त नहीं तो आला से आला अमल भी जन्नत में ले जाने की बजाय दोज़ख में ले जाएगा। आला से आला, और अगर नियत दुरुस्त हो तो अल्लाह मामूली अमल के बदले भी बहुत ज़्यादा अता फरमा दे। एक हदीस, फरिश्ते जब बंदों के अमल लेकर अल्लाह की बारगाह में जाते हैं ना, उनका सहीफा नामे अमल, अल्लाह फरमाता है अल के तिल का सहीफा था, फरिश्ते इसको फेंक दो। फरिश्ता कहता है या अल्लाह इसने मेरे सामने अमल किया है, मैंने देखकर लिखा, फिर कहता है फेंक दे। तो अल्लाह फरमाता है ये जिसका मजमून ये है, ये ठीक है, तूने देखा भी है, उसने किया भी है, लेकिन वलम युरिद वजही, उसने मुझे राज़ी करने का इरादा नहीं किया था, इसलिए मेरी बारगाह में वो अमल कबूल नहीं है। अमल वही कबूल है जिसका मकसद रब को राज़ी करना हो। बोलो, रब को राज़ी करना। और मैं तो कहता हूँ कितनी बेवकूफ़ी है, कितनी बेवकूफ़ी है कि रब को छोड़कर बंदों को राज़ी करने की कोशिश की है। बंदे तो कभी राज़ी होते नहीं। और अगर बंदा अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करता है, नियत पक्की करता है, अल्लाह ख़ुद भी राज़ी हो जाता है, बंदों को भी राज़ी कर देता है। अल्लाह ख़ुद भी राज़ी हो जाता है, बंदों को भी। इस वास्ते जे रब नू राज़ी करना है, नियत पक्की रखो, अल्लाह ख़ुद भी राज़ी। क्योंकि अल्लाह क्या फरमाता है, इन्नल्लज़ीन आमनू वामिलुस्सालिहात सयजअलुल्लाहुर्रहमानु वुद्दा, कि जो लोग ईमान लाते हैं, नेक अमल करते हैं, अल्लाह लोगों के दिल में उनकी मोहब्बत डाल देता है। लोगों के दिलों में अल्लाह उनकी मोहब्बत डाल देता है। तो फरमाया कि ये रात हज़ार महीने से, ये नहीं कहा हज़ार महीने के बराबर है, खैरुन बेहतर है हज़ार महीने से। और कितनी बेहतर है, जिन्ना किसका अखलास ज़्यादा होगा, तवज्जो इलल ज़्यादा होगी, वो उतनी बेहतर होती है। तनज़्ज़ुलुल मलाइकातु वर्रूहु फ़ीहा, इस रात में फरिश्ते भी उतरते हैं और जिब्रील भी आते हैं, बल्कि यन्ज़िलु जिब्रीलु फ़ी कुबकबति मिनल मलाइका औकमाकाल, जिब्रील फरिश्तों की जमात के साथ आते हैं, जो बंदा खड़ा बैठा अल्लाह का जिक्र करता है उसके लिए दुआ करते हैं। खड़ा हो बैठा हो तो जिब्रील, देखिए ये अल्लाह ने जिब्रील को भेजा है, मेरे बंदों को देखो और फरिश्तों के साथ जाओ, उनके लिए दुआ करो। ये फरिश्ते तो हर वक्त इबादत करते हैं ना, और कभी नाफरमानी। हदीस में आता है सहाबा बैठे हुए थे, हजूर तशरीफ़ लाए, फरमाया किस लिए बैठे हो? अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। फरमाया तुम कसम खाते हो कि सिर्फ़ अल्लाह के ज़िक्र के लिए बैठे,
अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह हम कसम खाते हैं कि हम और किसी काम के लिए नहीं, सिर्फ खुदा को याद करने के लिए बैठे। हुज़ूर ने फरमाया, मैंने तुमसे इसलिए कसम नहीं ली कि मुझे तुम पर कोई शक था, बल्कि जिब्रील आए और कहने लगे इन्नल्लाह युबाही बेकुमुल मलाइका, अल्लाह फरिश्तों से फ़ख्री अंदाज में फरमा रहा है, फरिश्तों देखो मेरे बंदे मुझे कैसे याद कर रहे हैं, फरिश्तों देखो मेरे बंदे मुझे कैसे याद। अच्छा, अब उलमा फरमाते हैं कि बतौर फ़ख्र उसके सामने बात होती है जिसमें वो कमाल मौजूद ना हो, जिसमें अब मतलब है कि अल्लाह फरिश्तों के सामने इंसानों का जिक्र बतौर फ़ख्र फरमाता है, इसका मतलब है कि वो कमाल फरिश्तों में मौजूद, वो कमाल फरिश्तों में मौजूद नहीं है। अब फरिश्ते हर वक्त जिक्र करते हैं, इंसान कभी कभी, तो इंसान गुनाह भी करता है, फरिश्ते गुनाह भी नहीं करते, इंसान कभी कभी करता है वो हमेशा करते हैं, इंसान नाफरमानी भी करता है वो ला यासून अल्लाह मामरा हम व यफअलून मा युमरून, वो नाफरमानी नहीं करते, वही करते हैं जो अल्लाह कहता है। तो फिर क्या वजह है कि फरिश्तों से इंसानों का जिक्र अफजल है, तभी तो बतौर फ़ख्र अल्लाह जिक्र करता है ना। आखिर क्या वजह है कि फरिश्तों के जिक्र से इंसानों का जिक्र, उलमा फरमाते हैं इसलिए कि फरिश्तों को जिक्र से रोकने वाली शय कोई, फरिश्तों को जिक्र से रोकने वाली शय कोई, मसलन नफ्से अमारा उनके पास नहीं है, नफ्से अमारा बदी की कुव्वत, उनमें बुराई करने की ताकत रखी नहीं, शैतान की वहाँ पहुँच नहीं, बीमार वो नहीं होते, और सबसे बड़ी बात कि खाने पीने की उन्हें ज़रूरत नहीं, नफ्स हमारा उनके पास नहीं, शैतान की वहाँ पहुँच, खाने पीने की उन्हें लोड, बीमार होना नहीं होना, तो उन्हें जिक्र नहीं करना तो करना की है, उन्होंने जिक्र नहीं करना तो करना क्या है। इंसान को नफ्स हमारा रोकने वाला, शैतान रोकने वाला, इंसानी ज़रूरतें रोकने वाली, तो जो आदमी इन तमाम रुकावटों को ख़त्म करके कुछ वक्त खुदा की याद के लिए निकाल लेता है वो यकीनन इस काबिल है कि वो फरिश्तों के जिक्र से अफजल करार पाए। खुदा की याद से हरगिज़ न रख दिल को कभी खाली, खुदा की याद से कभी खाली, कि वहाँ पर बूम ता है जहाँ कोई न बसता हो। तो ये रात अल्लाह ने हमें अता फरमाई कि ताकि बंदे इसमें ना अपने गुनाह माफ़ करा लें, गुनाह वैसे तो बंदे को हर वक्त ही तौबा करनी चाहिए ना, तौबा का कोई टाइम तो नहीं ना, तौबा था ना गुनाह करने का कोई टाइम है तो ना कोई। एक बुज़ुर्ग है शेख अत्तार, वो फरमाते हैं चूँ गुनाह नकद आमद दर वजूद, तौबा नसिया न दारद हेच सूद, कि जब गुनाह नकद किया है तौबा का उधार ना करो, तौबा भी नकद फौरन करो, क्या पता मौका मिले ना मिले, क्या पता है। इस देखो ना, गुनाह हो जाना बुरी बात है मगर बड़ी बात नहीं है, बुरी बात है, इंसान है, बल्कि कुल्लो बनी आदम खत्ताउन, हर इंसान गुनाहगार है, लेकिन खैरुल खत्ताईन तवाबून, सबसे अच्छा गुनाहगार वो है जो तौबा कर लेता है, है गुनाहगार पर चंगा जेड़ा तौबा कर ले, तो मगर तौबा में उधार नहीं करना चाहिए। देखियो,
बंदा जब तौबा करता है ना, तौबा का मतलब है कि गुनाह छोड़कर नेकी की तरफ आ जाता है। अच्छा, तौबा की तीन चीज़ें तौबा के लिए लाजम है। किनिया चीज़ें? सबसे पहले तो गुनाह छोड़े। हदीस में आता है काबिले तवज्जो, जो बंदा गुनाह नहीं छोड़ता, ज़ुबान से कहता है मेरी तौबा, तो वो बंदा अल्लाह से मजाक करता है। तौबा की कि सबसे पहले वो गुनाह छोड़े, फिर उस पर नादिम हो, पशेमान हो, पछताए, फिर अल्लाह से वादा करे या अल्लाह आइंदा मैं गुनाह नहीं करूँगा, तो फिर अत्ताइबो में न जम्बे कमल लाजम वाला हूँ, गुनाह से तौबा करने वाला ऐसे जैसे उसने गुनाह किया ही, बल्कि इससे भी बढ़कर, इससे भी बढ़कर। अल्लाह कुरान में फरमाता है इल्ला मन ताबा व आमना व आमेला अमलन सालेहन फाउलाएका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात, जो सच्ची तौबा करता है, अच्छे काम करता है, अल्लाह उसके गुनाहों को नेकियों में बदल देता है। अल्लाह उसके गुनाहों को युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात। और जब बंदा तौबा करता है रब बड़ी खुशी होती है। देखो ना, बंदे रब न किसी हया की लोड़ है भी, बंदे जहन्नम जान आगे पीछे, तो रब को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, मगर अल्लाह चाहता है कि मेरे बंदे, तो जब बंदा तौबा करता है तो रब को बड़ी और कितनी खुशी होती है। हुजूर ने फरमाया कि एक आदमी की सवारी है, उसके ऊपर उसका ज़्यादे राह खाने पीने का सामान है, जंगल बियाबान है, सवारी उसने खड़ी की, बांधा ये नहीं बांधा, अब खुद सो गया। जब आंख खुली ना सवारी है ना सब, अब इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है, जंगल बियाबान है, तो सवारी मिली, उसने सोचा कि नस नस के मरना की है, दौड़ दौड़ के इतने लम्बे पै जिन्हें आप भी मर जावेंगे, इसके अलावा तो कोई गुजारा ही नहीं रहा, बज़ाहिर कोई उम्मीद नहीं थी ना। उसने कहा कि इधर भागने भुगने का क्या फ़ायदा है, इतने लेटांगे आप भी मर जाएंगे। वो दरख्त के नीचे लेट गया, कुछ देर के बाद जब आँख खुली ना, तो सवारी साजो सामान समेत खड़ी थी। अब उस बंदे को खुशी हुई, बंदा सोच सकता कितनी खुशी होनी। तो अल्लाह हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया बंदे को सवारी मिलने से, ज़्यादे राह मिलने से जितनी खुशी होती है जब बंदा तौबा करता है, अल्लाह इससे भी ज़्यादा खुश होता है, अल्लाह इससे भी ज़्यादा खुश होता है। हमने तो की बहुत जहन्नम की तजवीज़, पर तेरी रहमत ने गवारा, पर तेरी रहमत ने, पर तेरी रहमत ने गवारा। तो ये शबे कदर है, तो इस रात में अगर कोई किसी से नाराज़ है ना, उसको मिला लेना चाहिए। कोई किसी से नाराज़ है, आप देखें जो कता रहमी है ना, कता रहमी ना, रिश्तेदारों से ताल्लुक तोड़ना, ये बहुत ज़्यादा नापसंदीदा चीज़ है खुदा की बारगाह। एक हदीस मैं आपको सुनाता हूँ, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया सिल मन कता का, जेड़ा तेरे नाल ताल्लुक तोड़े तू जोड़, सिल मेल मिलाप कर मन ओदे नाल, कता का जरा तेरे नाल तोड़े, सौखा काम है कौखा? कोई कोई कहते खाए खसमन असी कड़े ओदे घरों खाते, वाफ अमन जलमक, जो तुझ पर ज्यादती करता है उसको माफ़ कर, वाहसिन इला मन असाल है, जो तेरे साथ बुराई करता है उसके साथ अच्छाई कर। और एक हदीस का मफहूम ये है
कि जिस ने ज़रूरत के वक़्त तुझे कुछ नहीं दिया, जब उसे ज़रूरत पड़े वो तेरे पास आए तो तू उसकी झोली को दामने मुराद से भर। तो ये औखे काम मिलके ता ही दर्जे मिलते हैं औखे। सरकार देखिए ना, एक दरख्त के नीचे आराम फरमा है, तलवार लटकी हुई है, एक बंदा आया तलवार फड़ी और सौंध के कहता है मैं यम नौ को मिनी, कौन बचाएगा आपको? हजूर ने फरमाया अल्लाह। आप अल्लाह कहना है, तलवार उसके हाथ से गिर पड़ी। हजूर ने फड़िया, फरमाया आप बताओ तुझे कौन बचाएगा? अब वो कहाँ पे जा रहा है? मगर सरकार ने उसे माफ़ फरमा दिया। वो मौत का हकदार था कि नहीं? मगर तेरी सूरत तेरी सीरत जमाने से निराली है। आज पढ़ लो चंगे रहो। तेरी सूरत तेरी सीरत जमाने से निराली है। तेरी हर हर अदा प्यारे दलीले बे। अगला शेर बड़े ज़ौक वाला, तो मुझे भी ज़ौक आएगा, आपको भी ज़ौक आता ही है। तुम्हारे दर या रसूल अल्लाह, तुम्हारे दर तुम्हारे आस्तां से हम कहाँ जाएं, तुम्हारे दर तुम्हारे आस्तां से न हम सा कोई न हम सा कोई बेकस है, न तुम सा कोई वाली है, न हम सा कोई बेकस है, हम सा कोई बेकस है, न तुम सा कोई वाली है। वो हमेशा कर्म करते हैं बिगड़े हाल वालों पर, वो हमेशा कर मेरी हालत ने मेरी बिगड़ी बना ली, बिगड़ कर मेरी हालत। अब लैलतुल कदर हजार महीनों से बेहतर है, मगर एक आशिक फरमाते हैं लैलतुल मीलाद अफजल मिन लैलतुल कदर, कि हुजूर की विलादत की रात शबे कदर से अफजल है, कि इस रात में फरिश्ते नाजिल होते हैं, उस रात में रसूलुल्लाह तशरीफ लाते हैं। मैं बात ख़त्म करता हूँ। एक लैलतुल कदर इन सरकार की ना जुल्फे थी, बोलो सरकार की, और सरकार मांग निकाला कर, मांग पता किन कहते हैं, चीरनी मांग, और जड़ी अगे पीछे जगह बाल स्याह होंगे ना, सरकार के रीश मुबारक और सर में सिर्फ 19 बाल सफ़ेद थे। और मैं अक्सर दोस्तों से पूछता हूँ कि हमें किसी से कितना भी अगर प्यार हो, असी कदे गिने भी उधर किन्ने बाल काले किन्ने चिट्टे थे, कदे गिने? तो सहाबा हजूर को कितनी गहराई से देखते थे, रवायतों में आता है कुछ यहाँ बाल सफ़ेद थे कुछ यहाँ थे और मिल के 19 बनते थे। मालूम है कि सहाबा तो देखते हजूर को रहते थे, सहाबा तो चलो। तो एक बात आ गई, एक सहाबी ने सहाबी से दूसरे ने पूछा, जो सहाबी ने ताबी, क्या हजूर जोर की नमाज में, बुखारी शरीफ के हदीस है कि जोर की नमाज में किरात करते थे, जोर की नमाज कुरान पढ़ते सी? उन्होंने कहा पढ़ते थे। अब इमाम का मुंह तो आगे होता है ना, तो मुख्ती तो नहीं पता पीछे पढ़ रहा है, तो उन्होंने पूछा तेनू कैसे पता लगता सी?
फरमाया मैं देखता था सरकार की रीश मुबारक हिलती थी। अब देखिए ना कि इधर मतलब है कि वो उनको नमाज में काम ही कोई नहीं होता था सवाए रसूलुल्लाह को देखने। ये कहते ख्याल आ जाए नमाज होती, नहीं कहते ख्याल ना आए होती नहीं। बहरहाल तो आला हजरत का सफ़र देखिए, वाब लैलतुल कदर में रात होती है ना, तो यह ना कि हैया फरिश्ते आते रहते हैं, हैया हत्ता यहाँ तक के मतलाइल फजर, फजर चढ़ जाती है, सूरज सूरज नहीं बल्कि फजर सादिक। और जब फजर चढ़ती है तो चानना हो जाता है ना, क्या हो जाता है चानना। तो आला हज़रत फरमाते हैं कि ये जो सरकार की जुल्फ़ें थी ना, ये लैलतुल कदर है, और जो आपकी मांग है ना चीर, ये मतलाइल फजर हक है। लैलतुल कदर में मतलाइल फजर हक, लैलतुल कदर में मांग की इस्तेकामत, मांग मैंने चीर सीधा चीर दी, अल्लाह लखा सलाम नाजिल करे। और आप देखिए जो बाद से बाद ज़्यादा देर तो नहीं होगी, मैं आप इस सरकार के जो जो है ना बाजू, इन पर सलाम भेजो, कहते क्या अर्ज, काबाए दीनों ईमान के दोनों सतू, हजूर के कलाइयाँ दीनों ईमान के काबे के थम हैं, दीनों ईमान के काबे के थम। शायद अरबी में कहते हैं कलाई को, किसको कहते हैं, और शायद एक ते शायदैन दो कलाइयाँ है नी, मशरकैन शायदैन तस्निया से दो कलाइयाँ, काबाए दीनों ईमान के दोनों सतू, शायदैन रिसालत पहला, हजूर की कलाइयों पे अल्लाह लाखों सलाम नाज़िल, शायदैन रिसालत अम्बिया तय करे जानू जिनके हुजूर, जानू मैंने कहते भला गोडे यार, ये आम लफ बोले है ना, दो जानू बह गए गोडे मार, ते हुजूर के सामने अम्बिया किराम भी दो जानू घुटने टेक के बैठते हैं, अम्बिया तय करे जानू जिनके हुजूर, जानुओं की वजाहत पे लाखों सलाम। अल्लाह ताला मेरी और आज की हाजिरी कबूल फरमाए। ये कितने बजे सलात उसी बननी है, 11:30 बजे सलात उसी, क्योंकि जमात होएगी।